नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जो खबर आपको जाननी बेहद जरूरी है, जो खबर आपसे टीवी से चुराई जा रही है। टीवी उस खबर पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। वो खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं और ईवीएम में कहीं पर वोट ज्यादा और कहीं पर वोट कम, आखिरकार इसके पीछे माजरा क्या है? कैसे ईवीएम में वोट ज्यादा हो रहे हैं और कैसे ईवीएम में वोट कम हो रहे हैं, और खास तौर पर उन सीटों पर जहां पर जीत हार का मार्जिन कम है, उन सीटों पर कैसे ये ईवीएम के अंदर वोट ज्यादा होना और वोट कम होना, ये कितना बड़ा अंतर पैदा करता है। आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये आपके लिए, बहुत जरूरी खबर है आपके लिए, आपको सुननी भी चाहिए और आपको बाकी लोगों के साथ साझा भी करनी चाहिए। एक खाका जो कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पेश किया है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और दूसरा बड़ा आंकड़ा मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि कैसे 362 सीटों पर 554,000 वोट खारिज कर दिए गए चुनाव आयोग के द्वारा। 362 सीटें और संख्या है 554,000 की, 5.5 लाख वोट चुनाव आयोग के द्वारा खारिज कर दिए गए। और ये खबर जो है वो छापी है द क्विंट ने। तो दो बड़ी खबरें और दोनों अपने आप में विश्वसनीय वेबसाइट है जिनके द्वारा ये खबर निकल करके सामने आई है, और इन दोनों खबर का मैं आपके सामने विवरण रखूंगा। इन दोनों खबरों को मैं आपके सामने दिखाऊंगा, जरा एक बार एक झलक आपको दिखा देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार का जो अभी आपके पास में ग्राफिक है, एक बार स्क्रीन पर वो दिखा दीजिए, फिर उसके बाद में एक एक सीट के हिसाब से हम उस पर चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद में क्विंट की एक बार हेडलाइन आपको मात्र दिखा देता हूं, फिर डिटेल में हम इस पर बात करेंगे कि कहां पर किस सीट पर किस तरीके से कैसे क्या हुआ है। तो सबसे पहले एक बार इंडियन एक्सप्रेस अखबार का, ये आपकी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार का आज का एक तरीके से फेरबदल, कुछ सीटों पर वोट बढ़ गए और कुछ सीटों पर वोट कम हो गए, वो खाका आपके सामने है। तो यहां पर पहले कॉलम में, पहली लाइन में जो है वो अलग अलग लोकसभाओं का नाम है, और उसके बाद में कौन सी सीट पर क्या हुआ है, और इसमें वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, वीवीआईपी सीट भी है, अलीगढ़, फरुखाबाद, सीलमपुर, फूलपुर, मेरठ, वो सीटें भी हैं इसके अंदर। और तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, और इसके बाद में द क्विंट ने एक बहुत शानदार रिपोर्ट की है, और द क्विंट की एक शानदार रिपोर्ट और बहुत डिटेल में मैं आपको दिखाने वाला हूं। 362 सीटों पर, ये आप देखिए आपके सामने आंकड़े हैं, द क्विंट हिंदी की खबर है और ये 10 जून को खबर पब्लिश हुई है, कल 10 जून की खबर पब्लिश हुई है। ईवीएम डेटा में अंतर 362 लोकसभा सीटों पर 554,598 वोट खारिज कर दिए गए। ये क्विंट ने इस पर रिपोर्ट छापी है और बहुत विस्तार के साथ इस रिपोर्ट को छापा है द क्विंट ने। तो इस रिपोर्ट को मैं आपके सामने रखूंगा, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर आपको लगता है कि जरूरी खबर है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक ये खबर नहीं पहुंच रही है, तो इस खबर को आप विस्तार से लोगों तक पहुंचाइए, अपना 10-15 मिनट का वक्त निकालिए। बहरहाल अभी हो सकता है कि खबर लंबी हो जाए, क्योंकि एक एक करके लोकसभा वाइज जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखने वाला हूं। तो सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार के ऊपर चलते हैं, और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जो रिपोर्ट छापी है आज, उस पर जरा हम चर्चा करते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार के इस रिपोर्ट के बाद में क्विंट की इन 362 सीटों की रिपोर्ट पर विस्तार से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, क्विंट ने यहां पर छापा है
कि अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ में टोटल जो वोट पड़े, अलीगढ़ में टोटल ईवीएम के अंदर जो वोट पड़े वो वोट थे 11,37,051। ये वोट डले, टोटल ईवीएम वोट काउंटेड ऑन 4th जून। 4 जून को जब गिनती हुई, टोटल वोट पड़े वो 11,37,051 थे, लेकिन जब 4 जून को जब गिनती हुई तो टोटल वोट मिले इसमें 11,31,155। जो अंतर आया वो अंतर आया 5,896 का, करीब करीब 6,000 का अंतर। और जुड़े नहीं वोट इसमें, कम हो गए वोट इसमें। और इसके बाद में जो मार्जिन रहा हार जीत का अलीगढ़ के अंदर, मार्जिन रहा 15,000 का, 15,000 से यहां पर जो है वो हार जीत हुई है, और 6,000 वोटों का यहां पर फेरबदल दिखा है। इसके बाद में फरुखाबाद की सीट पर आप आइए, फरुखाबाद की सीट पर आप देखिए कि टोटल वोट जो ईवीएम में गिरे वो गिरे 10,32,302। और 4 जून को जब वोट निकले यहां पर तो 10,31,784, यानी 518 वोट ज्यादा। पिछली अलीगढ़ में हमने देखे थे 5,896 वोट ज्यादा मिले थे, यहां पर 518 वोट ज्यादा मिले। और यहां पर फरुखाबाद के अंदर हार जीत का अंतर रहा 2,678, ये हार जीत का अंतर यहां पर रहा। और उसके बाद बांसगांव की सीट, टोटल वोट ईवीएम में मिले 9,43,007 वोट। और 4 जून को जब गिनती हुई तो यहां पर वोट मिलते हैं 9,41,708, ज्यादा वोट मिले 1,299, यानी करीब करीब 1,300 वोट। और जो हारजीत हुई है यहां पर, वो हारजीत हुई है 3150 वोटों से, 3150 वोटों से यहां पर हारजीत का अंतर था, 1,300 वोट ईवीएम के अंदर ज्यादा मिले। फूलपुर में, फूलपुर में 10,10,909 वोट ईवीएम में डले, 4 जून को जब गिनती हुई तो 10,11,687 वोट जो है वो ज्यादा मिले। और माफ कीजिए, जो पहले मैंने आपको बताया 5,000 वो घटे हैं वोट, माफ कीजिए मेरी थोड़ी गलती रही। और यहां पर फूलपुर के अंदर 718 वोट जो है वो एडिशनल मिले, हार जीत का जो अंतर रहा वो रहा 4,332, ये हार जीत का अंतर रहा। मेरठ में 11,79,121 वोट ईवीएम में पड़े, और जो अंतर रहा वो 11 लाख, फिर जो 4 तारीख को मिले वोट वो मिले 11,79,112, 9 वोटों का अंतर यहां पर मेरठ में मिला। अंतर रहा जो जीत का वो 10,585 रहा। और इसके बाद में अनेवा की सीट पर आप देखिए 10,86,687 वोट मिले ईवीएम में, और गिनती के समय पर 10,86,120 वोट यहां पर मिले। टोटल वोट जो है वो इसमें से बढ़ गए वो 567 वोट, 567 वोट जो है वो इसके अंदर कम हो गए, 567 वोट इसमें गिनती वाले दिन कम हो गए। और अंतर रहा यहां पर 15,969 का। और इसी तरीके से आपके सामने धारवाड़ा और हमीरपुर और सेलमपुर, यहां पर भी 188 वोटों का अंतर रहा, 1,000 वोटों का अंतर रहा। और यहां पर सेलमपुर के अंदर 692 वोट ज्यादा पड़े, और जो जीत का अंतर है वो 3,573 वोटों का अंतर है। तो ये कुछ सीटें हैं जिन सीटों पर, जिन सीटों पर जो अंतर रहा वो हार जीत के अंतर से बहुत नजदीक है। अब कौन जीता कौन हारा ये हमारा विषय नहीं है,
कि सेलमपुर में कौन जीता है या मेरठ में कौन जीता है, ये जो है वो हमारा विषय नहीं है। विषय ये है कि मुद्दा ये है कि जिस दिन वोट डले हैं उस दिन वो अलग वोट दिख रहे हैं, और जिस दिन 4 तारीख को गिनती हुई है तो उस दिन गिनती में अलग वोट दिख रहे हैं। अब देखिए जो वीआईपी सीट है वाराणसी के अंदर टोटल वोट जो है वो डाले जाते हैं 11,28,527 वोट। गिनती में 4 जून को वोट मिलते हैं 11,27,081 वोट। घट गए वोट जो है वो 1,446 वोट घट गए, और जो अंतर रहा वो 1,52,513 वोटों का अंतर रहा। रायबरेली में 10,36,997 वोट डाले गए, ईवीएम में वोट मिले 4 जून को 10,36,644, यानी 353 वोट घट गए, और अंतर रहा 3,90,000 का। अमेठी में भी इसी तरह से 9,76,000 वोट डाले गए, 9,76,679 वोट मिले, 626 वोट जुड़ गए, अंतर रहा 1,67,000 का। कन्नौज में 12,14,866 वोट डाले गए, और 4 तारीख को मिले 12,14,285 वोट, यानी 601 वोट वो यहां पर घट गए। इसी तरीके से मैनपुरी में भी 735 वोट घट गए, लखनऊ में जहां पर राजनाथ सिंह लड़ रहे थे वहां पर 2,365 वोट घट गए। तो ये आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी, और अब जो है मैं आपको दिखाता हूं, अब आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो क्विंट की रिपोर्ट है वो बताती कि 362 सीटों के ऊपर 5,00,000 से ज्यादा वोट खारिज कर दिए गए। और ये रिपोर्ट जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये देखिए आप, ईवीएम डेटा में जो अंतर है 362 सीटों पर 594 वोट खारिज कर दिए गए, और इसके साथ में अभी जो है ये पूरी संख्या आपके सामने है। द क्विंट ने चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के 2 सेटों की जांच की, पहला मतदान प्रतिशत और ईवीएम द्वारा डाले गए वोटों की पूर्ण संख्या, और दूसरा रिजल्ट के दिन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में गिने गए ईवीएम वोटों की संख्या, जिसमें 542 लोकसभा क्षेत्र में से 538 में गड़बड़ी पाई गई। क्विंट जो है वो जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा है कि हमने 2 सेटों की जांच की, जिसमें 542 में से एक सीट पर तो चुनाव नहीं हुए थे, जो सूरत की सीट थी उस पर तो निर्विरोध तरीके से जिता दिया गया था, 542 में से 538 में से गड़बड़ी पाई गई, यानी 70% गड़बड़ी जो है वो कह सकते हैं आप। द क्विंट की खबर आपको बता रहा हूं। इसका मतलब यह है कि इन संसदीय क्षेत्रों में ईवीएम से डाले गए वोटों की संख्या रिजल्ट के दिन गिने गए वोटों से नंबर से मेल नहीं खाती है, इसमें पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है, क्योंकि वोटर टर्नआउट का आधार केवल ईवीएम में डाले गए वोट है। कम से कम 267 निर्वाचन क्षेत्र में यह अंतर 500 से अधिक था। और उदाहरण के जरिए इन्होंने समझाया है, तमिलनाडु के त्रिवल्लूर में 19 अप्रैल को पहले चरण के दिन मतदान हुआ, यहां पर 25 मई को इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 14,30,738 वोट ईवीएम में डाले गए, जिस दिन वोटों की गिनती हुई यानी 4 जून को, उस दिन 14,13,947 वोट ही गिने, यानी 16,791 वोट कम। बहुत बड़ी संख्या ये। और ये देखिए हार जीत किसने क्या कराई है वो हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में 39 की 39 सीट इंडिया गठबंधन की तरफ गई है, लेकिन ये हुआ कैसे है, क्यों हो रहा है, और अगर ये इस तरीके से हो रहा है तो आप मानिए कि फिर जो चुनाव आयोग अपने आप में दावा करता है उन दावों का फिर क्या कहेंगे। तो इस वक्त में ये आंकड़े जो है मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं जो द क्विंट ने पेश किए हैं। असम के करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डाले गए, ईसीआई के अनुसार
11,36,538 वोट मिले। फिर चुनाव परिणाम जिस दिन घोषित हुए 4 जून को, उस दिन यहां पर 11,40,349 वोट गिने गए, यानी 3,811 वोट अधिक गिने गए। तो ये इन्होंने कुछ उदाहरण के जरिए बताया है। आगे डॉक्यूमेंट ने इसमें लिखा है कि ईसीआई ने फेजवार यानी अलग अलग फेज के हिसाब से वोटिंग का जो आंकड़ा जारी किया है उसकी कॉपियां आप यहां पर देख सकते हैं, कॉपी भी पेश की है। हालांकि डाटा एक दूसरे से बेमेल है, मैच नहीं कर रहा है डाटा। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यूपी में डेटा मिसमैच का कारण सोशल मीडिया एक्स के जरिए बताने की कोशिश की है। सीईसी ने लिखा कि वोट डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच में अंतर पैदा हो सकता है, क्योंकि कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां डाले गए वोटों की गिनती आयोग द्वारा जारी प्रोटोकॉल और विभिन्न मैनुअल हैंडबुक में उपलब्ध कराए गए के अनुसार नहीं हो पाती है। जरा फिर से समझिए इसको, डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच में अंतर पैदा हो सकता है, क्योंकि कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां डाले गए वोटों की गिनती आयोग द्वारा मौजूदा प्रोटोकॉल और विभिन्न मैनुअल हैंडबुक में उपलब्ध कराए गए के अनुसार नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि जहां पर जो वोट डाले जाते हैं और जो आंकड़ा दिया जाता है, ये जिस तरीके से मान लीजिए कि आपकी लोकसभा से जो आंकड़ा निकल करके आया है और उसके बाद में जो हम मतदान केंद्र में गिन रहे हैं उनके बीच में अंतर हो सकता है, और ये किसके कारण हो रहा है, ये बता रहे हैं कि जो मौजूदा प्रोटोकॉल है, ये मौजूदा प्रोटोकॉल है, इसमें अलग अलग तरीके से मैनुअल और हैंडबुक में जो एंट्री करवाई जाती है, कुल मिलाकर के ये इस तरीके से समझा रहे हैं कि आपकी लोकसभा में जो डाटा निकल करके सामने आया है वो डाटा लिख लिख करके आया है, और हम यहां पर ईवीएम खोल रहे हैं, और ईवीएम जो हम खोल रहे हैं तो उसमें जो है वो मैनुअल में गलती हो सकती है कि मान लीजिए कि किसी ने 69 लिखना था 96 लिख दिया। ये जो है इनका तर्क है। अभी कितना सही है ये तर्क आप खुद से जो है समझ लीजिए। आगे उन्होंने कहा कि दो परिस्थितियों के बारे में उन्होंने बताया कि गिने गए वोटों की संख्या ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या से कम हो सकती है। पहली परिस्थिति जिसमें पीठासीन अधिकारी गलती से वोटिंग शुरू करने से पहले कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल का डेटा हटाना भूल जाएं, या वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले वीवीपैट से मॉक पोल की पर्चियों को हटाया नहीं गया हो। दूसरा, जहां पर कंट्रोल यूनिट में डाले गए कुल पीठासीन अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए फॉर्म 17C में वोटों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, क्योंकि पीठासीन अधिकारी भूलवश गलत नंबर दर्ज कर सकता है। अब इन्होंने एक और कारण बताया कि क्यों जो है वो यहां पर बेमेल हो रहा है हमारा डाटा। ये कह रहे हैं कि जब ईवीएम की वोटों की जब गिनती होती है तो ईवीएम की वोटों की गिनती के समय पर जो मॉक पोल के दौरान किया जाता है, जब ट्रायल लिया जाता है, जब शुरुआत में ट्रायल लिया जाता है, तो उसके वोट हटाने अधिकारी अगर भूल जाते हैं तो उसकी वजह से भी अंतर पैदा हो सकता है। अब यहां पर आपकी तो एक गलती, आपकी तो एक भूल है, और किसी की पूरी जिंदगी जो है वो खराब हो गई, या लोकतंत्र की पूरी सरकार जो है वो ऊपर से नीचे होगी, लोकतंत्र में जो लोगों ने जनादेश दिया था वो ऊपर नीचे हो जाएगा। आगे उन्होंने लिखा कि जैसे मतदान के दिन ईवीएम सही ढंग से काम कर रही है नहीं, इसे जांचने के लिए मॉक पोल, मैंने आपको बताया कि सुबह 5 बजे मॉक पोल आयोजित किया जाता है। आमतौर पर मॉक पोलिंग में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 5 वोट डाले जाते हैं, जिसे परिणाम आने के बाद में जांच किया जाता है। ये जो है वो सुबह सुबह जब वोटिंग शुरू होती है, 7 बजे वोटिंग शुरू होती है, उससे पहले 5 बजे जो है पूरी प्रक्रिया की जाती है, और 5 बजे हर उम्मीदवार जो है वो 5-5 वोट डाल करके चेक करता है कि मशीन सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, खटके दबा दबा करके चेक किए जाते हैं, और सब करते हैं ये। तो फिर आप देख लीजिए कि कितने संख्या वहां पर हो जाएगी, प्रत्येक उम्मीदवार 5-5 वोट डालता है, तो आपके क्षेत्र में अगर ज्यादा उम्मीदवार है तो कितनी संख्या हो जाएगी, और अगर किसी अधिकारी ने वो मॉक पोल टेस्ट भी उसी के अंदर गिन दिए तो फिर कितना आंकड़ा चला जाएगा। आदर्श रूप से मतदान कंट्रोल होने से पहले हटा देना चाहिए, सारी बातें इन्होंने बताई है। चलिए अब देखिए, उन्होंने कुछ आंकड़े सामने रखे हैं। संसदीय क्षेत्र जहां पर अधिक ईवीएम वोट जो है दर्ज किए गए हैं, असम के करीमगंज के अंदर 11,36,538 वोट डाले गए, जबकि वोट गिने गए 11,40,349,
और 3811 वोट जो है वो इसमें ज्यादा मिले। आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह से ओंगोल के अंदर 13,99,000 वोट डाले गए और वोट गिने गए 14,01,174 वोट यहां पर ज्यादा मिले। उड़ीसा में भी बालासोर में, यहां पर रेल दुर्घटना हुई थी बालासोर में, 12,34,427 वोट डाले गए, 12,35,600 वोट यहां पर मिले, 1,173 वोट ज्यादा मिले। मध्य प्रदेश के मंडला में 15,30,661 वोट डाले गए, 15,31,950 वोट इसमें मिले और 1,089 वोट जो है वो इसमें ज्यादा मिले। बिहार के अंदर बक्सर में 10,65,290 वो वोट जो है वो इसमें डाले गए और 10,66,300 वोट जो है वो इसमें मिले गिनती के दिन, 1,010 वोट जो है इसमें ज्यादा मिले। तो ये आंकड़ा इसका है, ऐसे ही करीमगंज का इन्होंने बताया है। और उसके बाद में जहां पर वोट कम मिले हैं ये आंकड़ा आप देखिए, जहां पर वोट कम मिले हैं ये आंकड़ा भी देखिए, ये आंकड़ा भी बहुत दिलचस्प है। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में 14,30,738 वोट डाले गए, गिने गए 14,13,947 वोट। और इसी तरीके से इसमें जो अंतर आया वो अंतर आया 16,791 वोट कम जो है वो इसमें मिले हैं। असम के कोकाझार में 12,43,306 वोट डाले गए, 12,29,546 वोट जो है वो इसमें मिले गिनती के दिन, 10,000 वोट जो है उनका अंतर यहां पर मिला। इसी तरह से ओडिशा में ढेकानाल में 11,93,460 वोट डाले गए, 11,84,033 वोट इसमें काउंट हुए, 9,427 वोट का इसमें अंतर मिला। केरल में भी इसी तरह से अलापुड़ा में 10,50,726 वोट डाले गए और 10,42,798 वोट इसमें काउंट हुए, 7,928 वोट का यहां पर अंतर मिला, इतने वोट कम मिले। आंध्र प्रदेश के गंटूर में भी इसी तरह से 14,11,989 वोट डाले गए, 14,04,061 वोट इसमें मिले गिनती के दिन, 7,928 वोटों का अंतर यहां पर मिला, इतने वोट जो है वो कम मिले। तो ये चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और अब क्विंट ने बताया कि हमने इसी तरीके से हमने 2019 में भी जांच की थी। तो क्विंट ने लिखा है कि चुनाव आयोग को और अधिक पारदर्शी होने की जरूरत है। द क्विंट की एक स्टोरी के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए वोट और गिने गए वोटों में ईवीएम में इस तरह की गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। उस स्टोरी के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई कि किसी भी चुनाव के फाइनल रिजल्ट की घोषणा से पहले भारत के चुनाव आयोग EC को वोटों का डेटा वास्तविक और सटीक मिलान का निर्देश दिया जाए। 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ में कई अन्य याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT पर्चियों के साथ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के पूर्ण वेरिफिकेशन की मांग की गई थी, उसको खारिज कर दिया। जो VVPAT की पर्चियां और EVM की पर्चियों के मिलान की बात उठी थी उसको खारिज कर दिया गया। यह सब तब हुआ है जब चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 4 करोड़ से अधिक पर्चियों का सत्यापन करने के बाद EVM और VVPAT पर्चियों में गिने गए वोटों के बीच कोई मिसमैच नहीं पाया गया। तो ये बात जो है कही जा रही है। और उसके बाद में आगे वो हवाला दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने कहा है कि यह मुद्दा पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया में विश्वास का केंद्र पर आधारित है और वह सतर्क नागरिक संगठन के संस्थापक सदस्य हैं जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए काम करने का एक ग्रुप है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्विंट की तरफ से यहाँ पर जारी की गई। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे
तो एक बहुत सीरियस ये मामला है। 362 सीटों पर द क्विंट ने आंकड़े पेश किए हैं 362 सीटों का, और क्विंट के अनुसार पेश किए गए इस आंकड़ों में सीधे तौर पर झलक यहां पर दिख रही है कि वोटों का कहीं ना कहीं जो है वो फेरबदल हुआ है, या वोटों का कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम किया गया है। किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, वो विषय नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप ये कैसे, जब डिजिटल युग हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो कैसे जो है वो वोटों का इतना अंतर आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि चुनाव में जहां पर एक एक वोट की कीमत होती है, और जहां पर 5-5 हजार या 1-1 हजार 2-2 हजार के वोटों से जीत हार तय होती है, वहां पर आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में कैसे जो है वो इतनी बड़ी धांधली की जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिसको लेकर के निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, और चुनाव आयोग पर निरंतर इसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन राजीव कुमार साहब जो है वो एक के बाद एक शेरो शायरी सुना करके लोगों का दिल बहला करके निकल जाते हैं। राजीव कुमार जो है वो लोगों का दिल बहला देते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां पर वोटों में फेरबदल देखने को मिल रही है, ये वोटों की फेरबदल निश्चित तौर पर लोगों के अंदर एक सवाल खड़े करती है कि कैसे ईवीएम में इतना बड़ा अंतर यहां पर हुआ है। तो बहरहाल इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, आप लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।